नीतीश जी पर आरोप लगता है वो सरासर गलत है। तो ये एक उसके पास सरकार के पास डाटा हो गया और उस पर नीतीश जी ने उस पर काम करना शुरू कर दिया। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि कोई भी जात या कोई भी वर्ग विशेष पर जदयू के कोई कार्यकर्ता या नेता या कोई भी जो है अधिकारी उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं किया होगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। इन दिनों देश में सरकार, नई सरकार बननी है, बीजेपी, जेडीयू, टीडीपी तरह के सभी लोग इस लाइन में लगे हुए हैं कि किसकी सरकार बनेगी, कौन सा मंत्रालय मिलेगा। नीतीश कुमार भी कल से ही दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं, उनके साथ संजय झा, ललन सिंह भी हैं। हम बात करेंगे, अभी जेडीयू के प्रदेश सचिव हैं राजेश तिवारी जी, जो आखिर जेडीयू इतने नीचे उसका ग्राफ कैसे चला गया। अगर हम बात करें तो 2019 में जेडीयू को 22% वोट आया था, इस बार 2024 में 18.52, मतलब 18.5%, तो ग्राफ कुछ कम हुआ है। ठीक है, वो उनके 12 सांसद जीत के चले गए, 16 पे जेडीयू ने अपने कैंडिडेट उतारे थे, बीजेपी का भी ग्राफ कम हुआ है, ये दोनों के लिए सोचने की बात है। हम राजेश जी से बात करेंगे। राजेश जी, कहाँ चूक हुई जेडीयू से? देखिए, जो जहाँ तक चूक की बात है चंद्र जी, तो ये चूक वाली बात नहीं है, एक रणनीति का हिस्सा था जिस रणनीति के तहत हम लोग चुनाव लड़े, जिस विकास के मुद्दे पर लड़े हम लोग। जो बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 2015-5 से जिस तरह से उन्होंने जंगल राज से मुक्ति दिलाई, जिस तरह से वो सड़क से लेकर के और बिजली तक जो में सुधार किया, आज जो है हमारा बिहार एक विकसित श्रेणी की ओर बढ़ा हुआ है। तो उस स्थिति में हम लोग विकास के मुद्दा पर लड़ रहे थे, लेकिन जिस तरह से विपक्ष ने एकदम खटाखट फटाफट और जो इस तरह से इशू उठा करके, जातीय इशू उठा करके पूरे चुनाव को एक अलग मोड़ देने की कोशिश किया, जिसमें उन लोगों को तो सफलता नहीं मिली। जाति की बात तो बिहार का नेता अगर करता है, जो अगले ने किया उसने किया, हमने नहीं किया। बिहार में जाति के अलावा तो कोई चीज़ है ही नहीं। नीतीश कुमार जी ने विकास किया, नो डाउट उनका यूएसपी था ही, गुड गवर्नेंस, जो अपहरण उद्योग, हत्या, लूट, डकैती, इस चीज़ से बिहार को वापस लाया, फिर पटरी पर लाया, बिजली भी दिया। लेकिन जातीय गोलबंदी में नीतीश कुमार की का भी नाम आता है। उन्होंने ईबीसी, पहले महादलित को कई भाग में बांटा, ईबीसी ओबीसी को भी बांटा, जाति जनगणना भी करवा दी, उसी के आधार पर आपको विपक्ष भी मैदान में उतरा। नहीं देखिए, जो नीतीश जी पर आरोप लगता है वो सरासर गलत है। जैसे आप जातीय जनगणना के किए, जातीय जनगणना होने से लोग विपक्ष इसको जिस इशू में भी दर्शाए, लेकिन अब देखिए उससे क्या हुआ कि जो भी है, चाहे वो बैकवर्ड हो, फॉरवर्ड हो, माने या कोई भी कास्ट हो, उसको अगर जो ये हुआ कि नहीं इसका इनकम इतना से कम है, तो देखिए उसके लिए आवास का व्यवस्था किया गया, सबका ये किया जा रहा है, इनकम जिसका है इनकम के आधार पर किया गया, इसको जात को फोकस किया गया, लेकिन आप उसका एजुकेशन किस जात में कि कौन कितना एजुकेटेड है, कितना बेरोजगार है, ये टोटल जो 16 कॉलम था, 16 पॉइंट पर उस पर टिक मारना था, 16 पॉइंट था, और 16 पॉइंट में आपके पास कितने घर में जो है सरकारी नौकरी करते हैं, कितने में जो है प्राइवेट नौकरी करते हैं, ये टोटल इशू पर किया गया। तो ये एक इशू उसके पास सरकार के पास डाटा हो गया और उस पर नीतीश जी ने उस पर काम करना शुरू कर दिया, ये एक प्लस पॉइंट रहा। और कभी भी आप जदयू के किसी भी पदाधिकारी या सरकार से कभी भी, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि कोई भी जात या कोई भी वर्ग विशेष पर जदयू के कोई कार्यकर्ता या नेता या कोई भी जो है अधिकारी उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं किया होगा, एक जदयू पार्टी है। लेकिन देखिए राजेश जी, लोगों की नाराजगी भी बहुत थी, जो चाहे बीजेपी के कैंडिडेट से हो या जेडीयू कैंडिडेट से, रिपीट जो किया गया कैंडिडेट का, उस चेहरे से क्षेत्र के लोगों की नाराजगी थी। उसका नाराजगी अगर आप देखिए तो किसी अखबार में आज छपी है नोटा, 35,000 एक लोकसभा क्षेत्र में नोटा लोगों ने दबाया। जितना विधानसभा में एक प्रत्याशी को वोट आता है उतना नोटा दबा है। तो नोटा आखिर क्यों दबता है? मतलब प्रत्याशी के खिलाफ नाराजगी, क्षेत्र का विकास नहीं, प्रत्याशियों के द्वारा एक बार वोट लेने का दोबारा लौट कर ना आना, ये कहीं ना कहीं हमको लगता है जो दोनों दल को इसको झेलना पड़ा। देखिए दल का झोला, दूसरा जो आप इशू बता, आप बताइए, अगर कहा जाता था कि आर के सिंह जो है आरा में बहुत विकास किए हैं, हर कोई मानता था कि आर के सिंह जो है
बहुत विकास की है, वो हार गए। हारे किससे? माले से। माले से जो एकदम 6 इंच छोटा करने वाला पार्टी है। तो अब वहां पर का स्थिति देख ली, उसको क्या कहिएगा? वो तो पूरा विकास किया वहां का, आरा का कोई भी बच्चे को, आरके सिंह को तो उनका घमंड ले डूबा ना, वो ना कार्यकर्ता से सही से बात करते थे, अच्छा ना अधिकारी से, ना जनता वो करते थे। अच्छा जब जनता जब पंगल जी अगर जो ऐसा करते थे तो रामकृपाल जी तो पूरा जो है जीनी मरनी से लेकर के सबको साथ रहते थे, तो वो क्यों हार गए? लेकिन पिछले 3 साल से रामकृपाल जी भी कहीं क्षेत्र नहीं जाते थे, सब कुछ ही करते। देखिए यही तो बात है कि आप विकास चाहते हैं कि आप कार्य करना चाहते हैं। अगर विकास के नाम पे लोग जीतता ना तो चंद्रबाबू नायडू कभी नहीं हारते, इससे आप इत्तफाक रहते हैं कि नहीं? ये है, लेकिन काम तो ये तो जरूरी है ना, काम तो जो जरूरी है। नीतीश कुमार जी का वोट प्रतिशत आखिर कम होने का कारण क्या है? इस बार तो बहुत आराम से एनडीए के साथ लड़े, और जो कहें फील गुड फैक्टर भी था, मोदी का चेहरा भी था, नीतीश कुमार का अपना भी चेहरा मोदी जी से कम नहीं है, इनका अपना भी यूएसपी है, गुड गवर्नेंस के लिए। पूरे चुनाव में अगर जदयू का ही एक कार्यकर्ता रहा, जदयू का ही वोटर रहा, जो किसी भी दूसरे आप कहीं नहीं टूटा है, जो भी हमारा बेस जो है जदयू का कार्यकर्ता रहा है और बेस वोटर रहा है लोग, वो एक इंटैक्ट रहा, वो एकदम हमारा एनडीए के साथ रहा। इसमें कहीं आप उठा करके जो 40 का आंकड़ा उठा करके देखिए तो जदयू का जो वोटर रहा सिर्फ एक समाज को छोड़ करके, बाकी अधिकतर जो है हमारा जदयू का कार्यकर्ता हमारे साथ रहा। लेकिन एक बात और सामने आ रही है राजेश जी, जो प्रधानमंत्री 12 तारीख को जो रोड शो किए और दूसरी अब वो उन्होंने अपने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की बीजेपी कार्यालय में थे दूसरी बार में, वहाँ तक ये पीएम तक ये बात पहुँचाई गई जो नीतीश कुमार का वोट बीजेपी को ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। अब वो किस कारण से नहीं हो रहा था ऐसा बीजेपी वाले बोल रहे थे। देखिए हमको इस तरह का विश्वास नहीं है, ठीक है, कि ऐसा अगर किया गया होगा, लेकिन ये सब कोई जानता है और उसका रिजल्ट बता रहा है कि बीजेपी जदयू का ही वोटर है, जदयू का जो कार्यकर्ता थे मतदाता थे जदयू का, वो अपना मत का प्रयोग एनडीए के साथ किए हैं। ये हर कोई दिख रहा है, जो भी जीता हुआ उसका स्थिति दिख रहा है कि कौन जीता और कहाँ का हो रहा है, और जहाँ ऐसा नहीं हुआ वहाँ घबराया हुआ है। कुछ ऐसा डिसीजन हुआ जिस डिसीजन का ये लोग का प्रभाव जो है पूरा चाहता तो उसमें अगर रोका जा सकता था। काराकाट के बारे में आपकी क्या राय है? काराकाट में लोग कहता है जो बीजेपी ने जानबूझ के हरवा दिया उपेंद्र कुशवाहा। नहीं, ये देखिए ये सब जो है आरजेडी और इंडिया गठबंधन का अपवाह है, प्रोपेगेंडा, और वो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। और इस बार जो इंडिया गठबंधन सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा के सहारे जीता है, चाहे उत्तर प्रदेश में आते हैं अरविंद केजरीवाल, वो प्रोपेगेंडा फैला देते हैं, बस चुनाव के बाद जो है योगी जी हट जाएंगे, एक वर्ग नाराज हो जाता है। बिहार में उसी तरह से जो है फैलाया जाता है, क्या क्या बोला जाता था कि अब कहीं कुछ नहीं होगा, पूरा जो है यहाँ ख़त्म होने वाला है, हम लोग का जो है 30 सीट जीत रहे हैं। स्थिति क्या हुआ आज जो हकीकत है, आरजेडी का आ गया ना, क्यों आरजेडी के जो स्थिति आज सिंगापुर से बुला करके जो लॉन्च किया गया सारण के जनता ने तो दे दिया जवाब। आप एक बात बताइए, 543 में कोई एक कैंडिडेट बता दीजिए जो पहला बार हारा हो उसको फिर दूसरा बार टिकट मिला हो, दूसरा बार हारा हो तो तीसरा बार टिकट मिला हो, वो सिर्फ मीसा भारती थी। मीसा भारती थी तो आखिर जीती किस आधार पर जीती है? देख रहे यादव भी वही है, ठीक है, सुरेंद्र यादव किस, तो वो तो अपना मंत्री रूप में थे और लगे हुए थे, इनको तो राज्यसभा भी 1.5 साल बचा हुआ था, 1.5 साल बचा हुआ था, ये क्योंकि ये लालू यादव का बेटी है, परिवार 4 साल बचा हुआ, परिवारवादी है और उसके लिए करके ये लोग कर रहे हैं। लेकिन जो जनता का रिजल्ट है, ये रिजल्ट दिखा दिया इन लोगों को कि किस तरह से है। देखिए वही मुकेश सहनी को हेलीकॉप्टर्स पर मछली मुकेश सहनी के खाते रहे, और जो कांटा कहते थे कि मिर्ची लगी गया एनडीए वाले को, तो लग गया ना मिर्ची, कांटा तो गड़ गया मुकेश सहनी को, मुकेश सहनी के, उनका तो कहीं के नहीं रहा बेचारा, कहीं का नहीं रहा। मुजफ्फरपुर में उनका अपना बेस था, मुजफ्फरपुर में सबसे ज्यादा एनडीए मार्जिन से जीता है ना, 2 लाख से ऊपर से ज्यादा मार्जिन से जीता है। ये सब उजियारपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, ये सब मल्लाह का क्षेत्र है, सब है। हमारा देखिए, उनका कोर वोट उनका साथ नहीं दिया। हमारा देखिए मधेपुरा में कैंडिडेट जीता ना, तो कुशवाहा ले लिया किसका? तेजस्वी यादव ने कुशवाहा वोट बैंक से वोट तेजस्वी के चलते नहीं गया है, कुछ कारण रहा है।
उसके चलते गया है, लेकिन हमारा जो उनका वोट बैंक हुआ है वो हमारा वोट बैंक ओरिजिनल वोट बैंक है। आप मधुपुरा देखिए, बांका देखिए, ये सब जो स्थिति वो हमारा ओरिजिनल आया हुआ है, लेकिन उनका वो नहीं ऐसा हुआ, कुछ आवेश बस कुछ कारण बस और कुछ लो ऐसा भटकाव कर दिया जिसके चलते हुआ है, लेकिन सब कोई एक साथ है, सब कोई अच्छा तरह से है। हम सबके सर्वमान्य नेता हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, और निश्चित रूप से एनडीए के शीर्षस्थ नेता उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ जरूर कुछ करेंगे। अगली बार 2025 के विधानसभा में ये कॉम्बिनेशन रहेगा, एकदम रहेगा, नीतीश कुमार एकदम पासवान। आप कल का भाषण आप मोदी जी का देखिए कि नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में एनडीए अच्छा काम किया है। नीतीश जी की ये भी एक डिमांड थी, जो 3-4 डिमांड नीतीश कुमार जी का था, कुछ कुछ मंत्रालय को लेकर के विशेष राज्य का दर्जा, और 2025 में नीतीश जी के ही नेतृत्व में, मतलब नीतीश जी जेडीयू के नेतृत्व में बिहार विधानसभा चुनाव लड़ा जाए। इस तरह से भी जो भी चुनाव हुए हैं नीतीश जी के नेतृत्व में ही हुए हैं, और आगे भी चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में होंगे। नीतीश जी का जो भी डिसीजन जो भी मांग रहेगा वो बिहार के हित में रहेगा, जनता के हित में रहेगा। बीजेपी ने तो 2020 में बहुत उदारता दिखाई, आप 43 सीट होने के बावजूद भी आपको मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार किया बीजेपी ने, शायद इसी का जो आज है प्रतिफल नीतीश जी नरेंद्र मोदी जी के साथ एनडीए में है क्या? नहीं, उदारता की बात क्या है, किसके नाम पर चुनाव लड़ा गया था, नाम किसके चुनाव पर चुनाव लड़ा गया था? नहीं, नीतीश जी के नाम मुख्यमंत्री किसको प्रोजेक्ट किया गया था? नीतीश कुमार जी को तो मुख्यमंत्री उनको बनना था। अब किसी को अगर ये हाथ कमजोर हो जाए, ये हाथ मजबूत हो जाए, तो इसके मतलब थोड़े कि पूरा शरीर में कमी है, सिंपल सवाल, उस वो हुआ पार्ट, लेकिन हकीकत ये, और किस कारण, अरे हमें तो गर्व होना चाहिए कि उस तरह का जो जिस तरह से चक्रव्यूह रचा गया था, चक्रव्यूह में तो ऐसा होता है कि जो भगवान का भांजा भी नहीं बच पाए, अभिमन्यु भी चक्रव्यूह के चलते वो भी अपना भांजा को भगवान भी नहीं बचा पाए, तो जो चक्रव्यूह रचा गया था वो 43 आया नीतीश जी के, जो बिहार के विकास के लिए खर्च करता कि उसके लेकर हम बात समाप्त करेंगे। लेकिन एक चीज तो है, राजनीति जो है बहुत अजीब सा चीज है, जिसने चक्रव्यूह रचा उसी के साथ आप डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए हैं आज। डाइनिंग नहीं, आप डाइनिंग टेबल की बात नहीं है, चक्रव्यूह की है। देखिए जो भी हुआ जिस तरह से हुआ राजनीति में, पिछले बात लेकर के नहीं है, गड़े मुर्दा को समय पर उखाड़ा जाता है जो भी हो, लेकिन ये हकीकत है कि हम लोग बिहार के विकास के लिए संकल्पित हैं, और बिहार का विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा से प्रयासरत हैं, और भी ज़्यादा है, जहाँ तक जो भी कमियाँ रह गई हैं उसके लिए अब आगे है कि हम लोग ये डबल इंजन की सरकार बनते ही फिर से जो है हमारा विकास, बिहार का विकास शुरू हो जाएगा। हम बात कर रहे थे जेडीयू के प्रदेश सचिव राजेश तिवारी से, इनका एक तरह से मानना है जो हमारा कोई वोट प्रतिशत कम नहीं हुआ है, नीतीश जी सर्वमान्य नेता हैं, और जो एक कहावत है, एक कहें जो एक फिल्म का डायलॉग भी था, एक फिल्म का टाइटल भी था, जो जीता वही सिकंदर। अभी तो वर्तमान में एनडीए की जीत हुई है, बिहार में एनडीए की जीत हुई है, देश में एनडीए की जीत हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नई सरकार का गठन होने जा रहा है जिसमें जेडीयू की भी भूमिका रहेगी और टीडीपी की रहेगी और बहुत सारे दल छोटे मोटे दल के साथ, और ये राजेश जी कहीं से भी इत्तफाक नहीं रखते जो जेडीयू का कुछ न कुछ कुनवा घटा है, वो कह रहे हैं जो जेडीयू नीतीश कुमार के नेतृत्व में लगातार आगे बढ़ी है और बढ़ती रहेगी। आप देखते रहिए भारत लाइव। कैसा लगा ये कार्यक्रम, आप अपना कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।